हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन, अर्जुन किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने हैं एक नई रेसिपी, बचे हुए चावल के चिल्ले। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, फुल वॉच करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेते हैं चावल थोड़ा सा, उसको बेलन और चकला की सहायता से इसको पीस लेते हैं। देख सकते हैं मेरा चावल पीस चुका है लगभग। उसके बाद इसको सफ़ा कर लेंगे बेलन और चकला से। उसके बाद में इसको एक कटोरी में सर्व कर लेंगे चावल को। इसमें डालते हैं बेसन थोड़ा सा, एक कप। उसके बाद में डालते हैं थोड़ा सा पानी। पानी इतना डालेंगे कि एक डो बनके तैयार हो जाए, घुल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते रहेंगे जब तक डो बनके तैयार ना हो जाए। धीरे डालेंगे पानी, एक अच्छा सा डो बनाना है। देख सकते हैं मेरा डो बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद में इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा कटा हुआ मूली, कटे हुए मिर्च, उसके बाद कटी हुई बारीक धनिया। उसके बाद इसमें प्याज डालते हैं। प्याज डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज हो गया, धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, कि पूरे बेसन और चावल में मिक्स हो जाए। उसके बाद में इसमें छोड़ते हैं कुछ मसाले, जैसे हो गया एक स्पून सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्दी आधा स्पून। उसके बाद में इसमें छोड़ते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर छोड़ने के बाद में इसमें छोड़ते हैं नमक स्वादानुसार। उसके बाद छोड़ते हैं चाट मसाला। चाट मसाला छोड़ने के बाद में इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह, सारे मसाले एकदम मिक्स हो जाएं। उसके बाद लग रहा है कुछ धनिया कम, हल्दी कम है। हल्दी डालने के बाद में फिर मिक्स करेंगे। उसके बाद चढ़ाते हैं तवा। तवे में डालते हैं 2 स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद में इसको तवे पे फैलाएंगे, ऑयल को अच्छी तरह से फैलाएंगे, पूरे तवे भर में ऑयल हो जाए। देख सकते हैं तवे में ऑयल पूरी तरह फैल चुका है। उसके बाद लेते हैं एक कलछुन। कलछुन की सहायता से इसको तवे पे डो को सर्व करेंगे। पूरे तावे भर में इसको पसार देंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं मैंने पसार दिया है इसको, एक डो को। उसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऊपर से डालेंगे। जो हल्के हल्के पोर्स दिख रहे हैं उसमें तेल डालेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में इसको आसानी से उठाते हैं। आसानी से उठाने के बाद इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद में फिर से ऊपर लगाते हैं तेल। तेल लगाने के बाद चम्मच की सहायता से इसको पसारते हैं। देख सकते हैं मेरा पराठा एकदम बनके तैयार हो चुका है। एक दूसरा फिर तैयार करेंगे, दूसरा पराठा बना के फिर से तैयार करेंगे। फिर इसमें पोर कर देंगे ऊपर से, इसमें तेल चुआएंगे। जिसे पहले बना था वैसे ही इसको सेम बनाएंगे। उसके बाद में इसको भी पलट देंगे। देख सकते हैं पलट दिया है। फिर ऊपर से तेल डालेंगे। फिर ऊपर से तेल लगाएंगे इसको। देख सकते हैं मेरा पराठा बनके तैयार हो चुका है। फिर इसे
प्लेट में एक सर्व करते हैं। बारी बारी से पहला पराठा आ गया, मतलब चिल्ला होगा, सॉरी चिल्ला। उसके बाद दूसरा चिल्ला आ गया, ये दूसरा चिल्ला आ गया, एकदम बन के तैयार हो चुका है, एकदम कुड़कुड़ा है। ऐसी वीडियो पाने के लिए अर्जुन किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जय हिंद, जय भारत।